29 मई 2023 ज्येष्ठ महीने के महासोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ही है गुप्त चीज। जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुरंत बन जाओगे आप करोड़पति। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर के साधक को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, इसीलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कह करके बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जी को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिनकी साधना से बड़े बड़े संकट भी खत्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोक शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से ही आपको एक दिन की पूजा से छुट्टी मिल जाती है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की शुरुआत 6 मई 2023 को हुई थी, इसका समापन 4 जून 2023 को होने जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाले सारे मंगलवार बड़े मंगलवार होते हैं, जिस दिन बजरंग बली जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आती हैं और ज्येष्ठ महीने का जो अंतिम सोमवार होता है हिंदू धर्म के अनुसार उसको महासोमवार बोला जाता है, जो महाशिवरात्रि के बराबर का विशेष और खास महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप शिवलिंग से कुछ चीज़ों को उठा करके अपने घर पर लाएं और स्थापित कर लें तो एक दिन के किए हुए इस उपाय को करने के बाद जीवन में चल रही हर प्रकार की गरीबी परेशानी दुर्भाग्य कष्ट समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कैसी भी मनोकामना हो इन चीज़ों को लाने के बाद अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि महासोमवार के दिन आपको वह गुप्त चीज़ें अपने घर पर सही मुहूर्त पर लानी होंगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपको भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हों, बहुत ही आगे जाएं। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप महासोमवार के दिन लाभ पा सकते हैं वो दोस्तों आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। देखिए दोस्तों, महासोमवार पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आता है और वो होता है ज्येष्ठ महीने का अंतिम सोमवार। इस दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ गुप्त चीज़ों को सही मुहूर्त पर उठा करके लाना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी मिलेगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसलिए इन सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वो भी लिख लीजिएगा। लेकिन आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों वो है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर किसी ने काला जादू काली विद्या बंधन तंत्र शक्ति ऐसा कुछ करवा रखा है, इन सब चीज़ों का असर तुरंत खत्म हो जाए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए तो आपको क्या करना है, 29 मई 2023 सुबह उठना है, आपको नहाना है धोना है, तांबे का लोटा लीजिए उसमें पूरा जल भर दीजिए, जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से 10-12-15 रुपए का मिल जाता है। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना आपको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें आपने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदें अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लाना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस महासोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर किसी ने काला जादू काली विद्या बंधन कुछ ऐसा भी करवाया था दोस्तों, यकीन मानिए तुरंत ही इसका असर खत्म हो जाएगा और आपके घर पर भगवान भोलेनाथ वास करने आएंगे।
दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, इतना धन आए जिसके बाद आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है? आपको 29 मई 2023 के दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में नहाना है, धोना है, किसी भी मार्केट से जाइए, एक डमरू खरीद करके ले आइए, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है, इस डमरू को शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी होंगी, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। यह आज का उपाय नहीं है, प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाए। तीसरा उपाय है दोस्तों, शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वो आपके अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे आपके दार नातेदार रिश्तेदार हों, और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु हैं वो आपको कुछ भी ना बिगाड़ पाएँ तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कच्चा दूध लेना है और एक त्रिशूल खरीदना है, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी जाइए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कीजिए, इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआइए, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया दोस्तों, उसका साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको दो धतूरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाना है, एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी के आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लाना है, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तकिया के नीचे रख करके 21 दिन तक सोना है, 21 दिन के बाद इसी धतूरे को किसी भी बहती हुई नदी में परिवाहित कर देना है। आपने 29 मई 2023 के दिन यह उपाय कर लिया दोस्तों, जिस बीमारी से आप परेशान थे, जिस बीमारी ने आपको परेशान कर दिया था, आपका लाखों रुपये खर्च करवा दिया था, इतना उपाय करने के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं, और इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस यह करना है दोस्तों कि इस ज्येष्ठ महीने के महासोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा दही से, बहुत ध्यान से सुनोगे दोस्तों, दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा, लेकिन उससे पहले शिवलिंग को अच्छी तरीके से गंगा जल से एक लोटे तांबे में गंगा जल भर के धो लीजिएगा, फिर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। अब दोस्तों अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना है? एक कांच की डिब्बी ले लीजिए, एक प्लास्टिक की डिब्बी ले लीजिए, उसमें भर लीजिए काली मिर्च। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, सबसे पहले आपको एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है, ये काली मिर्च की जो डिब्बी है इसको शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर लाकर रख दीजिए, और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाइएगा उसी डिब्बे में से एक काली मिर्च उठाइएगा और अपनी बैग में रख लीजिएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा, और अपने इंटरव्यू के लिए नौकरी संबंधित जो भी काम होगा उसके लिए निकल जाइएगा। जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरी लगने में आ रही होंगी वो ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल जाएगी। ये उपाय करने के बाद आपको नौकरी मिलना तय है। तो